पश्चिम बंगाल के हाल के कुछ वर्षों में हालात को देखते हुए और पश्चिम बंगाल की पहचान असलियत से दूर हटकर जो बन रही है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दुनिया का सबसे कल्चरल प्लेस है, एक से एक महानुभावों ने दुनिया को दृष्टि दी है, दुनिया को दिशा दी है, दुनिया की दशा सुधारने का प्रयास किया है, दुनिया ने उनका लोहा माना है। तो आज प्रातः मैंने चिंतन किया कि ऐसे मौके पर मैं विवेकानंद जी के कौन से वचन प्रथम सेवक होने के नाते जनता के समक्ष रखूं। तो मैंने जो प्रातः ट्वीट किया, टू बिल्ड न्यू इंडिया वी नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम स्वामी विवेकानंद लाइफ, फॉलोइंग हिज मैसेज। मैसेज क्या देखिए, हेल्प एंड नॉट फाइट। पहला मैसेज, क्या कोई धर्म इसके खिलाफ हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति खिलाफ हो सकता है? एसिमिलेशन एंड नॉट डिस्ट्रक्शन। स्वामी विवेकानंद जी कभी ये नहीं चाहेंगे कि चलती गाड़ी पर पत्थर फेंको, रेलवे ट्रैक को उखाड़ो, पुलिस स्टेशन को टॉर्चर करो, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाओ, कभी नहीं चाहेंगे। तो कहा असिमिलेशन नॉट डिस्ट्रक्शन, फिर कहा हारमनी एंड पीस नॉट डिसेंशन। एक एक शब्द उन्होंने चुना जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, कम है। लेटस्ट, अब उन्होंने आह्वान किया था उसमें, लेटस्ट सीज फ्रॉम अब्यूजिंग ईच अदर। और मैंने कहा उनकी जन्म जयंती पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके सिद्धांतों का अपनी माना, कम उम्र में इतनी बड़ी पहचान बना लेना, इतना बड़ा दुनिया को एक मैसेज देना, और पश्चिम बंगाल की भूमि अनेकानेक विवेकानंद जी जैसे महानुभाव से प्रभावित रही। आई वुड एस्पायर वो ड्रीम एंड वर्क फॉर अ वेस्ट बंगाल दैट इज फ्री फ्रॉम वायलेंस, द पीस एंड हार्मनी। वायलेंस व्यक्तियों में नहीं है, वायलेंस सरकारों में है। ऐसी परिकल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं की थी, दैट गवर्नमेंट्स विल फाइट विद ईच अदर, फाइट अ बिटर बैटल, और जनता उसमें पिसे, ऐसा संबंध है। प्रधानमंत्री जी ने आज एक ऐतिहासिक कार्य 150th कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते हैं। हर बंगाली के स्वाभिमान की बात है, कितनी कम उम्र में वो वाइस चांसलर बने, देश के लिए कितने लड़े। अनुच्छेद 370 जो भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है 2019 के बाद, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो देश की एकता का प्रतीक है। उनके नाम करना और सरकार की तरफ से उस कार्यक्रम में कोई नहीं जाना, मेरा मन राज्यपाल की ऐसे ऐसे बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। ऐसा आचरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, पूरे देश के किसान जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको लाभ देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। सरकार के ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी की मोहर नहीं है। उम्मीदवार राजनीतिक पार्टी का हो सकता है, MLA सांसद पार्टी का नहीं है, वो उस इलाके का है, वो उस प्रांत का है, उसकी हैसियत बड़ी होती है। देश को 45,000 करोड़ का फायदा मिल गया किसानों को, पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को एक पैसा नहीं मिला। ये कैसी हठधर्मिता है, ये कैसा युद्ध है, ये कैसा टकराव है,
व्यक्तियों के टकराव में कभी भी उनका नुकसान नहीं होना चाहिए जिनको मलम की आवश्यकता है। ऐसा क्यों आयुष्मान भारत में 100 रुपये खर्च होते हैं तो 60 रुपये दिल्ली से आते हैं, वो 60 रुपये पश्चिम बंगाल की जनता का उन पर हक है। ये अमाउंट 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, उस पर भी टकराव। मुझे कितना लगता होगा अच्छा कि बाहर से राज्यपाल आते हैं, उनके साथ सरकार के मंत्री डायरेक्ट शेयर करते हैं। आई एम हैप्पी डिलाइटेड, पर मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कभी कोई मंत्री मेरे साथ भी डायरेक्ट शेयर करे। दीज आर सीरियस इश्यूज, 2020 में नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया पश्चिम बंगाल देखना चाहते हैं जिसमें हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ मैंने आपको कहा है, मैंने विवेकानंद जी के सुबह 1 घंटे तक अनेक बातों को पढ़ा, सुना, देखा। जब 30 साल पहले लोकसभा सदस्य बना था तो क्षेत्रीय में भी उनका एक स्थान है, तब से मेरा बहुत गहराई से परिचय है। पर मैंने सोचा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए मैं कौन से वो 5 चीज़ें चूज करूँ, वो मैंने आपके समझ बताया। सर, जिस तरह